हमारी तीन मांगे हैं। पहला, तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपना त्याग पत्र दें और उन किसानों से माफी मांगे जिनको कुचलने का प्रयास उन्होंने किया, जिसमें 6 लोगों ने अपने प्राण अभी तक की जानकारी के अनुसार त्याग दिए। हमारी दूसरी मांग है कि किसके आदेश पर यह रौंदने का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बने और वो दोषी लोग, उन गाड़ियों को चलाने वाले लोग, उन लोगों की जांच हो ताकि पता चले कि किन के आदेशों की वो पालना कर रहे थे। हमारी तीसरी मांग और बेहद गंभीर मांग है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो कहते हैं लठ मारो किसानों को, जेल चले जाना, वहां से नेता बन के हम निकाल लेंगे आपको। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतागिरी का मॉडल है। हमारी चौथी और अंतिम मांग यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसपे हर व्यक्ति को विश्वास है, क्या सुप्रीम कोर्ट कल संज्ञान लेगा इस बारे में? क्या हमारे न्यायप्रिय न्यायाधीश जो किसानों को अपना वक्तव्य देते हैं, उनको उनके लिए कुछ टिप्पणी करते हैं, क्या वो कल सरकार के ऊपर टिप्पणी करेंगे कि किस तरह से सरकार के गुरूर ने 6 किसान परिवारों को रौंद दिया? एक व्यक्ति जब रौंदा जाता है तो पूरा परिवार रौंद दिया, क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे कल हमारे देश के न्यायप्रिय न्यायाधीश कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं लठ्ठों से मारो किसानों को, क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे? मेरी मांग है मेरे सारे न्यायप्रिय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कि इसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। सर, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, भले ही वो देश के गृह राज्य मंत्री हो, भले ही वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, जो हिंसा फैलाते हैं, जो किसानों के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो किसानों का सर लठ्ठों से फोड़ने का आदेश देते हैं, उसकी मोडस ऑपरेंडी, उसकी टूल किट देते हैं, क्या उनके खिलाफ आप भी टिप्पणी कीजिए माननीय न्यायप्रिय न्यायाधीशों? मैं आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश का हर व्यक्ति आपकी तरफ सकारात्मक नजरों से देख रहा, आपका इंतजार कर रहा है।